अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू राबिया किचन एंड व्लॉग। आज मैं बनाऊंगी जी क्यूकम्बर सैलड, और इसके लिए मुझे एक अनियन चाहिए, एक क्यूकम्बर चाहिए, साथ में ये कटर है। अगर आपके पास कटर नहीं है तो आप इसको फाइन नाइफ के साथ भी इसे काट सकते हैं। तो मैंने कटर का इस्तेमाल किया है ताकि उसके स्लाइस जो से हैं ना वो फाइन हो जाए। तो इसकी कटिंग करेंगे और इसके बाद इनमें थोड़े से मसाले मिक्स करेंगे। ये जी, ये मेरा इतना मुझे सलाद चाहिए था। इसमें मैंने थोड़े से रेड चिली फ्लेक्स डाली हैं, ओरिगैनो डाला है, साथ में मैंने इसमें मिक्स हर्ब्स डाली हैं। इसका फ्लेवर, इसकी खुशबू बहुत प्यारी होती है, और क्वांटिटी आपके सैलड की क्वांटिटी के हिसाब से ऊपर नीचे होती रहेगी। साथ में मैंने ये जी डाला है थोड़ा सा सॉल्ट। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा सॉल्ट अच्छा फ्लेवर इसमें अच्छा लगता है। ये मैंने डाला है ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल की जगह आप वेजिटेबल ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। ब्लैक पेपर डालेंगे, पिंच ऑफ ब्लैक पेपर। इसको अच्छे से मैं मिक्स करूँगी। ये सैलड डाइट कॉन्शियस लोग जो होते हैं, जो डाइट कर रहे हैं, और उनके लिए बहुत अच्छा है। योगर्ट लिया है, योगर्ट में अब मैं इस सैलड को डालूंगी और इसे भी इसमें डाल के मिक्स कर लूँगी। जब सैलड तैयार हमारा हो जाएगा, इसको आप फ्रिज में रखें, थोड़ा सा ठंडा करें, और इसको चम्मच के साथ खाएं। आपको बहुत ही इसका अच्छा फ्लेवर लगेगा। अगर आप चाहें तो इसमें लेमन भी स्क्वीज़ कर सकते हैं, और उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। ये देखें जी, कितना मज़ेदार सैलड तैयार हो गया, क्यूकम्बर सैलड, और ये वेरी वेरी हेल्दी फूड है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।